हेलो स्टूडेंट, मैं अमित सर, आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को ऑफलाइन होने वाली एसटी 12 और 13 का सॉल्यूशन दिया गया था, ठीक उसी तरीके से आपको ऑफलाइन एसटी 14 का भी सॉल्यूशन आपको आज दिया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले एक वीडियो मैं इंग्लिश की बना रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन, उसके बाद जीएस का, उसके बाद रीजनिंग का, और उसके बाद आपका मैथ्स का, ठीक है। तो देखते हैं भैया, पिछले एसटी की अपेक्षा जो इस बार एसटी में जो इंग्लिश का परफॉर्मेंस था बच्चों का काफी ठीक था, बट कुछ क्वेश्चन जो थे काफी ठीक ठाक थे, ठीक है। तो देखिए बेटा उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और बच्चों के बीच में शेयर करिए, जो अपने यहाँ के और भी स्टूडेंट्स हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स के गलत हुए थे उनको समझने का काम करते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन यानी कि इसके हिसाब से 70 नंबर 1, यानी ये है पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं नापसंद करता था, ठीक है। आई डिसलाइक्ड मतलब मैं नापसंद करता था हिम, उसको। अब नापसंद करने का कारण क्या था, अब नापसंद कितना करता था, सो मच, अत्यधिक। किस लिए बेटा यहाँ पे, फार के लिए, हिज मतलब उसके, मीननेस का मतलब होता है नीचता के लिए, ठीक है, या दरिद्रता मतलब गरीबी भी, गरीबी का भी सेंस देता है और बुरी हरकतों का भी सेंस देता है, नीचता का सेंस देता है। तो ये कह रहा है कि मेरा जो उसको ना पसंद करने का रीजन था वो नॉट मीननेस, वो ठीक है, वो मीननेस तो था लेकिन नॉट मीननेस। अब यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है तो फिर क्या था, ठीक है, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, लेकिन था क्या, लेकिन इसके पीछा क्या था यहाँ पे, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सो मच का प्रयोग करा गया है तो इसके साथ एज आता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं कौन सा भैया, बट बिकॉज, ठीक है, दो कंजंक्शन एक साथ आएंगे भी नहीं, ठीक है। अगला लिखा है बट ड्यू टू, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फॉर हिज यानी कि इसको ज्यादा नापसंद करता था, इस चक्कर में नहीं करता था कि उसकी मीनिंगनेस के चक्कर में, इस वजह से करता था कि वो कैसा था बेटा यहाँ पे, बेईमान था, उसकी बेईमानी के कारण करता था। तो यहाँ पे फॉर हिज डिसऑनेस्टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो फॉर हिज डिसऑनेस्टी, तो यहाँ पर आ जाएगा एज, यानी कि पहले का जो पहला सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, पहला नंबर। कौन सा नंबर, पहला नंबर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत था, तो ध्यान से देखिएगा, और आप भी कोई डाउट हो तो आप क्लास से पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा आसान है, लिखा हुआ है ही प्रेफर्ड, ठीक है, लिखा हुआ ही प्रेफर्ड डेथ रेदर देन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो वो मतलब कह रहा है कि उसने ही माने उसने प्रेफर्ड पसंद किया था, ठीक है, वो पसंद करता था, क्या पसंद करता था, डेथ मृत्यु की सजा, रेदर देन की अपेक्षा। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कैद, मतलब वो कैद नहीं रहना चाहता था, मतलब उसको मृत्यु पसंद थी लेकिन वो कैद नहीं रहना चाहता था। तो यहाँ पे प्रेफर के साथ में जो हम लोग कंप्रिजन वर्ड की बात करेंगे तो वो वहाँ पे देन का प्रयोग ना करके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भैया, टू का प्रयोग करते हैं। उस तरीके से नो इंप्रूवमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगला आपका कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे फार होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर, और सेकंड का जो सही मतलब और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन है वो भी आपका कौन सा भैया, सेकंड है, ठीक है। तो पहले पे क्या कह रहा था कि गिवन अंडरलाइन मतलब गिवन बिलो सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस में अंडरलाइन जो वर्ड है उसको दिया गया है, उसमें हमको इम्प्रूवमेंट बताना है, और अगर कह रहा था इम्प्रूवमेंट अगर ना हो तो आप उसमें तीसरा चौथा ऑप्शन सही कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की नीड थी और इस हिसाब से यहाँ पे दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसके हिसाब से देखा जाए तो वो आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका तीसरा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो 78 है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, मिसस्पेल्ड, अगर हम लोग बात करें वर्ड पावर की, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वर्ड की, तो वर्ड को अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वर्ड की, ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा, अगर हम लोग बात करें वर्ड की तो वर्ड पावर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, ऐसे वर्ड जो लेटर से मिलकर के बनते हैं, किससे मिलकर के बनते हैं, लेटर्स, और ऐसे वर्ड जो किससे मिलकर के बनते हैं बेटा, यहाँ पे वर्ड्स, ठीक है। अगर वर्ड लेटर से मिलकर बने चाहे वर्ड से मिलकर बने हमें मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन मीनिंग के साथ साथ वर्ड का मीनिंग के साथ साथ हमको उस ऐसे वर्ड जो लेटर से मिलकर के बनते हैं उनकी स्पेलिंग पे भी हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस आपके स्पेलिंग टेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। या तो वो आपसे पूछेगा मिसस्पेल्ड या तो करेक्टली स्पेल्ड, अगर वो आपसे मिसस्पेल्ड पूछ रहा है ना तो आपका 4 आपको वर्ड देगा और उन 4 वर्ड में से 1 वर्ड गलत होगा, 1 वर्ड की स्पेलिंग गलत होगी, आपको गलत वाली बतानी है।
अगर आपसे वो करेक्टली स्पेल्ड पूछता है तो चार वर्ड देगा, उनमें से तीन वर्ड गलत होंगे, एक सही होगा, सही वाला बताना है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन ये ठीक था, सबका क्वेश्चन ठीक था। अर्नेट्स मतलब ये आपका उत्साह से है, ये आपका होगा नहीं। गैलरी आपका होगा नहीं गलियारा। इनमिटी शत्रुता ये आपका होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जी ए डबल एल ई आर वाई इसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। अर्नेस्ट ई ए आर एन ई एस टी ये भी ठीक हुआ। इनमिटी आपका ई एन एम आई टी वाई ये भी आपका ठीक हुआ। और इरिटेबल अगर हम लोग बात करें, इरिटेबल ठीक है, और इरिटेबल मतलब यहाँ पे हो जाएगा किसी को बेटा एक्साइट कराने वाला, चिड़चिड़ा चिड़, ठीक है। तो इरिटेट चिड़ाना, ठीक है, और इरिटेबल का मतलब होता है किसी को मतलब चिड़ाने वाला। और वी कैन से यहाँ पे इरिटेबल की स्पेलिंग पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इरिटेबल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा। और यहाँ पे जो सही स्पेलिंग होगी वो आपका कौन सा हो जाएगा, आई डबल आर आई टी ए बी एल ई। और इस तरीके से सही ऑप्शन 78 मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है भैया, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि एक जो मतलब हम कह सकते हैं ईच आइटम इन दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन में हर एक जो सेंटेंस वो बना हुआ है विद एन अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन से सेंटेंस में एक अंडरलाइन जरूर है, वर्ड फॉलोड बाई फोर वर्ड्स, और जो अंडरलाइन है उसके लिए चार वर्ड दिए गए हैं, और आपको बताना क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग। बस यही निकालना था कि ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। अपोजिट का मतलब एंटोनियम, यानी एंटोनियम्स पूछ रहा है। देखिए लिखा हुआ है हिज एसेंशियली, ही इज एसेंशियली, ही क्या हुआ यहाँ पे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो सकता है यहाँ पे, नाउन या हम कह सकते हैं प्रोनाउन, ये क्या रहा, टू बी की वर्ब। यहाँ पे अगला क्या लिखा हुआ है, इज, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, नाउन एस सी एन हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर्टिकल। यहाँ पे इसेंशियली कौन है भैया, यहाँ पे हम कह सकते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ही इज इसेंशियली अ क्रूड पर्सन, क्रूड का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस टाइप का, ठीक है। क्रूड वैसे क्रूडाइल होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कच्चा, ठीक है। तो क्रूड के लिए यहाँ पे जो एंटोनियम्स होगा वो क्रूड मतलब भद्दा ये होगा नहीं, ईगर उत्सुकता उत्सुक यहाँ पे ये भी नहीं होगा, बैलेंस यानी टेंटामाउंट है ना, टेंटामाउंट समतुल बैलेंस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से हो जाएगा भैया यहाँ पे कौन सा, रिफाइंड, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है बेटा यहाँ पे प्योर, ठीक है। रिफाइंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस, रिफाइंड का मतलब यानी कि क्रूड का एंटोनिम्स होता है भैया क्या, रिफाइंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना देरी किए हुए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हिज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, क्या होता है भैया यहाँ पे, आत्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे विश्वास, ठीक है। अगर हम आत्मविश्वास की बात करें, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, और यहाँ पे इज टू बी की वर्ब, हाई अपने आप में एडजेक्टिव, और ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन। तो हिज कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का उल्टा, इंड्योरेंस सहनशीलता, ठीक है। यहाँ पे ईगरनेस ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्टीडफास्ट दृढ़ता, दृढ़ ये भी नहीं होगा, स्टीडफास्टनेस है यहाँ पे, तो दृढ़ ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे संकोच का सेंस देता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा, डिफिडेंस। डिफिडेंस होता है साई होता है क्वाई होता है, ठीक है, यानी कि जो किसी चीज में संकोच करने का काम करता है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफिडेंस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, ठीक है, और डिफिडेंस का मतलब होता है यहाँ पे संकोच। तो वी कैन से यहाँ पे ऑप्शन कौन से हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, कौन सा से हो जाएगा बेटा, फर्स्ट नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, जरा गौर से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज अ सेंटेंस, ठीक है, विद थ्री अंडरलाइन पार्ट्स। ओके भाई, ठीक है, लिखा हुआ है पार्ट लेबल्ड ए बी सी, आगे लिखा हुआ है रीड ईच सेंटेंस टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी एरर, मतलब कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये गया सेंटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, फोर्थ पार्ट जो है वो आपका कह रहा है कि भैया अगर आपको लगता है किसी भी पोर्शन पे इरर नहीं है तो आप उस पोर्शन को मार दीजिए, ठीक है, जिसमें अगर ग्रामेटिकल इरर नहीं है। तो यहाँ पे गौर से पढ़िए सेंटेंस को, यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंपनी, एक जो कंपनी है, ऑफ माने होता है कि, और 5000 सोल्जर्स, तो थाउजेंड्स, ठीक है, इसके बाद पहले कोई डिजिट आया, ये अब विदाउट यस के यूज होगा, सोल्जर्स ये प्लूरल हुआ, लेकिन कंपनी जो है एक कंपनी, सोल्जर, सोल्जर प्लूरल नाउन हुआ, और इसकी एक कंपनी, इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा वो अपने आप में हम कह सकते हैं कहाँ है, 5000, कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग
मार्च्ड, ठीक है चलो ठीक है, मेनू अब यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे ठीक है। अब लिखा हैविंग मार्च्ड, ठीक है, मतलब आगे बढ़ी टायरलेसली बिना थके हुए फार ओवर 5 days, मतलब लगातार 5 दिनों तक से, ठीक है। हैव जस्ट मूव्ड, ये है बेटा हैव जस्ट मूव्ड, तो हैव जस्ट मूव्ड कौन मूव हुआ भैया, यहाँ पे ये कंपनी मूव हुई, कंपनी किसकी थी, सोल्जर्स की थी। कंपनी अगर किसकी थी बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंपनी किसकी थी भैया, सोल्जर्स की थी। अब सोल्जर्स प्लूरल नाउन था, लेकिन ये इसको सिंगुलर बनाने का काम किया, और इस तरीके से भैया यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था, है जाना चाहिए था। और सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यार, 81 का कौन सा नंबर, सी नंबर, कौन सा नंबर बेटा, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, अगला भी इधर का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एवरी पर्सन हु बिलीव्स, एवरी यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे वैसे अगर हम लोग एवरी की बात करें तो यहाँ पे ये एवरी जो है एडजेक्टिव का काम करता है, इसी तरीके से अगर हम इस ईच की बात करें तो ईच जो है वो प्रोनाउन भी है, ठीक है, और ये अपने आप में एडजेक्टिव भी है। प्रोनाउन होगा तत्काल बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसके तुरंत बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो कौन आता है बेटा यहाँ पे, नाउन आएगा। लेकिन इवरी जो है वो इवरी एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसके तरीके यूज नहीं होगा, प्रोनाउन के तरीके जो यूज होता है ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इवरी पर्सन, पर्सन अपने आप में क्या हुआ नाउन, इवरी क्या हुआ एडजेक्टिव। अब ये लिखा हु, ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके पहले जो नाउन है वो सिंगुलर हुआ, इस तरीके से यहाँ पे जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे जो आया आपका मेन वर्ब, ये इसके हिसाब से सिंगुलर है, ये तो आपकी बात ठीक है। इन प्रिंसिपल, तो एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है बेटा ये दो है, एक प्रिंसिपल जो होता है ये प्रिंसिपल साहब होते हैं, ठीक है, स्कूलों में होते हैं, ठीक है, और अगला जो है ये हम लोगों को कहते हैं कि इससे चलो, तो ये इससे चलो भैया यहाँ पे प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, सिद्धांत, ठीक है। अब सिद्धांत की अगर बात करें तो यहाँ तक तो बातचीत पूरी ठीक है, मस्ट स्टैंड अप टू फाइट, मतलब मस्ट अवश्य चाहिए स्टैंड अप खड़े होना टू फाइट लड़ने के लिए। फॉर देयर सब्जेक्ट अगर हम बात करें ईच पर्सन के लिए, एवरी पर्सन के लिए सॉरी, तो यहाँ पर जो पोजेसिव एडजेक्टिव की बात होगी वो अपने आप में क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि सिंगुलर हमारा नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सॉरी सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे मेन वर्ब भी सिंगुलर है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा है बेटा, सिंगुलर है। और इस तरीके से यहाँ पे दिए गए थर्ड ऑप्शन पे क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आते, 83 नंबर क्या कहता है जरा गौर से देखिएगा, 83 पे लिखा हुआ है, 83 पे लिखा हुआ है द ओलंपिक गेम्स। अब ये द अपने आप में आर्टिकल रहा, तो ये यहां से यहां तक हो गया क्या नाउन, नाउन अपने आप में कैसा दिख रहा है भैया, प्लूरल दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, तो मेन वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं होगा, इस तरीके से पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं और भी इधर है क्या, द हाइएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन और इंडेवर प्रयास, ठीक है, एंड माने और अचीवमेंट का मतलब होता है यहाँ पे उपलब्धि। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ना तो सी में इरर हुआ, ना तो बी में इरर हुआ, और डी तो मान लो हो ही नहीं सकता, तो इरर पार्ट बेटा सिर्फ और सिर्फ किसमें है यहाँ पर, रिफ्लेक्स में है, क्योंकि अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हमेशा कैसे यूज करते हैं, प्लूरल की, और अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर की, अगर नाउन प्लूरल होता है तो यस जोड़ा जाता है, अगर वर्ब प्लूरल होता है तो उससे यस हटाया जाता है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ना कि यहाँ पे क्या होगा रिफ्लेक्स होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 देखिए जरा गौर से पढ़िए, 84 में क्या समस्या आ रही है, तो गौर से तो पढ़ ही चुके हो, लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमको बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेंटेंस मतलब पूरे जीवन काल में जितने भी प्रकार के वाक्य बोलते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी प्रकार की बातचीत होती है वो सेंटेंस, सेंटेंस पांच टाइप के होते हैं, ठीक है, और इनकी जो टाइमिंग दिखाने के लिए जिन शब्दों का यूज होता है, ठीक है, वो टेंस होता है, और टेंस जो होते हैं मेनली वो तो दो ही होते हैं, प्रेजेंट हुआ पास्ट, क्योंकि जब एक्शन नहीं होगा तो टेंस नहीं होगा, तो फ्यूचर भी लिखा होता है कई जगह फ्यूचर भी, लेकिन एक्चुअल में दो ही टेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि जब भी हम लोग किसी भी सेंटेंस का हम लोग क्या बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं, तो वॉइस बनाते समय सबसे जो मेन रोल होता है वो होता है सेंटेंस के एक्शन का, एक्शन कौन दिखाता है यहाँ पे, मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कौन सी ट्रांजिटिव, कौन सी होती है ट्रांजिटिव, और एक कौन सी होती है भैया इन ट्रांजिटिव, कौन सी इन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या होती है, जब मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट हो तो वो ट्रांजिटिव है, और मेन वर्ब के बाद
बाद अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो तो वो कौन सी है? इंट्रांसिटिव है। अब इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस इसका बनाते समय देखना क्या है कि ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, ये अपने आप में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद सीधी सी बात है यहाँ पे ओनियन जो है वो अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या होगा भैया? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या होगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनियन। ओनियन मिला कहीं पे कि नहीं मिला? ओनियन 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 ओनियंस, ठीक है, सारे के सारे ओनियंस हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, ओनियंस। अब ये जो टेंस था ना वो किसमें है भैया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और चेंज इनटू इज एम आर, चेंज इनटू इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। अब मैंने कहा अगर हम ओनियंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आर आ जाएगा, फिर हम लोग देखें यहाँ पे एक और आ जाएगा, फिर हम लोग देखें एक और आ जाएगा। अब चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीइंग में बदलता है तो ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए बीइंग वाला, तो बीइंग वाले में यहाँ पे कितने ऑप्शन आ गए? एक यहाँ पे ओनियंस के बाद आर बीइंग ये है, और एक यहाँ पे कौन सा आर सेलिंग यहाँ पर ये है। यहाँ पर भी हमको बीइंग दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे हो जाएगा इज, और इज का यहाँ पे बीइंग में बदलेंगे तो यहाँ पे बीइंग में बदलेंगे तो इसमें बीइंग है नहीं, तो बीइंग इसमें है। तो इस तरीके से ओनियंस फिर हो जाएगा आर, फिर हो जाएगा बीइंग, और यहाँ पे हो जाएगा सेट का थर्ड, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए सेल होना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? सेल। तो सेल का यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या सोल्ड हो जाएगा? बाय मींस के द्वारा, द वेंडर का मतलब होता है वेंडर के द्वारा, ऑन अ कार्ट यानी आपका ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? कौन सा नंबर से हो जाएगा बेटा? सी नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ। यानी कि ओनियंस, ओनियंस हुआ आर, फिर आर के बाद में क्या हो जाएगा? आर के बाद में चूंकि कंटिन्यूअस तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में हो जाएगा, बीइंग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई, बाई यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में तो बाई किसके द्वारा? वेंडर, और कहां पर बेटा? ऑन अ कार्ड। तो इस तरीके से सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा नंबर होगा? सी नंबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्पीड से बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 7-8 मिनट में सब हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है। फिर से एक बार मैंने कहा सब्जेक्ट सबसे पहले ना आप एक्शन ढूंढिए कहां हुआ है। तो यहाँ पे एक्शन, एक्शन फिक्स्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका हुआ मेन वर्ब। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे लीकेज, तो लीकेज आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे लीकेज ऑब्जेक्ट हुआ तो लीकेज, फिर यहाँ पे लीकेज, फिर यहाँ पे लीकेज, फिर यहाँ पे लीकेज, चलो मिल गया। सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू हैज, हैव, हैज हैव चेंज इनटू, चेंज इनटू हैज बीन और हैव बीन। और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने अकेले इसको नहीं उठाया है, इन्होंने पूरा उठाया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। तो द लीकेज इन द टैप, द लीकेज इन द टैप, द लीकेज इन द टैप, ठीक है। इसके बाद लीकेज इन द टैप, फिर इसके बाद लीकेज इन द टैप, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम ले आए। अब लीकेज एक ही तो हुआ है, इस हिसाब से इसका मामला खत्म, इसका भी मामला खत्म। अब सेंटेंस हमारे बचे दो ऑप्शन, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, लिखा द लीकेज इन द टैप और हैज, और हैज चेंज इनटू हैज बीन, बीन यहां से यहां तक तो कहीं दिखा नहीं, बीन कहां दिख रहा है यहाँ पे? ये ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर। कौन सा नंबर भैया? डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तेजी के साथ। लिखा हुआ है क्या अगले क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है? कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन, लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। आगे देखिए कंसिस्ट ऑफ जो होता है इज इक्वल टू कंप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ अंडरलाइन वर्ड, उसके साथ में आपका प्रयोग नहीं करेंगे। फॉलोड बाय द फोर ऑप्शंस ए बी सी डी, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। यानी कि यहां से हमें ये पता चलता है कि ये सिनोनिम्स पूछने का काम कर रहा है। और इस तरीके से जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ आफ्टर ए गुड मील, एक अच्छे भोजन खाने के बाद, एक अच्छे भोजन के बाद, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा जरूरी होता है टू पे, देने का अ कम्प्लीमेंट। अगर हम इस कम्प्लीमेंट की बात करें, कंफ्यूजिंग वर्ड से हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कम्प्लीमेंट कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है, और एक कम्प्लीमेंट जो है कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, एक कम्प्लीमेंट जो है बेटा वो कुछ कुछ ऐसा लिखा मिलेगा ई, और यहाँ पे एम ई एन टी, ये आपका क्या हुआ? पूरक, ठीक है, और ये क्या हुआ यहाँ पे? प्रशंसा, और प्रशंसा का सिनोनिम्स पूछ रहा है भैया कहाँ मिला, कहाँ मिला, तो टिप टच करना भी होता है, टिप भी होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी वाला गलत हो गया, ठीक है। एडमोनिस मतलब खाना खाने के बाद यहाँ पे कम्प्लीमेंट देना, कम्प्लीमेंट ये वाला तो प्रशंसा वाला है अगर देखा जाए यहाँ पे तो, ठीक है, तो कम्प्लीमेंट प्रशंसा करो ना, डांट फटकार क्यों कर रहे हो। अगला लिखा है बेटा यहाँ पे रिवाइल, रिवाइल करना, ठीक है, किसी चीज को बेटा रिवाइल कर देना, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत हो जाएगा। डांटना फटकारना ये भी वही सेंस दे रहा है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेस प्रशंसा करना, तो सही ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना देरी किए हुए। लिखा हुआ है हिज वर्क इज लॉडेबल, हिज वर्क उसका काम, और
ये हुआ यहाँ पे टू बी की वर्ब लाउडेबल। तो लाउडेबल का मतलब होता है एडजेक्टिव है, प्रशंसनीय, उसका काम प्रशंसनीय था, लाउड था ना भाई, ना हंसने के योग था, बिल्कुल नहीं, बोल्ड साहसी ये हो नहीं सकता। ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा यहाँ पे, प्रेसवर्दी से हो जाएगा। और चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस का नरेशन, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान सा है, नरेशन करते समय क्या है ना कि दो पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। जो वर्ब है ना, वर्ब हमारा जो है वो सीमित है, ठीक है, यानी कि क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ पे एक मेन वर्ब होगी जो कि पूरा काम कर रही होगी अगले सेंटेंस में भी, ठीक है, ये नहीं है तो सब कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जो स्पीच होगा वो कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को देख करके ही चेंजेस होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में एक लंबी चौड़ी स्पीच बोली गई है, बातचीत करी गई है, बातचीत करना मतलब उसमें सेंटेंस होंगे, सेंटेंस टोटल 5 टाइप के होते हैं। तो देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो किस कैटेगरी का सेंटेंस है। तो पता चला सब्जेक्ट से स्टार्ट है, बाकी कुछ तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, यानी कि कर्स वगैरह, प्रे वगैरह, तो हम ये कह सकते हैं ये असर्टिव का सेंटेंस है। असर्टिव का है तो सीधी सी बात है, सगारिका सैड, सगारिका हो गया सैड, चूंकि अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो सीधी सी बात ये चेंज होगा नहीं, सैड का सैड रहा, सैड रहा, सैड रहा, सैड रहा। चलिए अब इसके बाद में दैट लगेगा, तो ये भी, इसको भी हम लोग यहां तक लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। अब हैव चेंज इनटू, अब देख लो भैया, ऐसा तो नहीं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, या मतलब ह्यूमन हैबिट हो, या कुछ हो, ऐसे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखा कि ये तो सिंपल सेंटेंस हो, तो चलिए सबसे पहले प्रोनाउन की तरफ आ जाओ। प्रोनाउन की अगर चेंज करने की बात करें, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट सी आ जाएगा, सी, ये काम खत्म, ये काम खत्म, ये दो। अब हमारे पास बचे दो, हैव चेंज इन टू हैड, इसका काम खत्म, ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा नंबर बेटा, डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना देरी किए हुए। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए आप क्लास में पूछ सकते हो, क्लास नहीं आ पा रहे हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, जिस मिलकर के बना है कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, द पार्ट विच हैव बीन जम्बल्ड, मतलब जो एक सेंटेंस बनाया गया है उसके पार्ट को जम्बल कर दिया गया है, मतलब गलत अरेंज पे दे दिया गया, तो हमको क्या करना है, उसका सही अरेंजमेंट करना है। अब इसमें सीधी सी बात देखो, होता क्या है कि एक घटना होती है, ठीक है, जो कि 3-4-5 लाइन में होती है, तो जो घटना जो पूरा हुआ ना, तो वो जो कोई भी घटना होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होती है, मतलब कि नहीं इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये तो हिंदी में बात समझने की हो गई। फिर हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं कि नहीं भाई, अगर किसी वर्ड का अंत जो है ना वो आपका प्राइड से खत्म हुआ, तो उसके बाद का दूसरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वह इनसे होगा, या मैंने कहा अगर कहीं पे सकम लगा हुआ है तो उसके बाद में वहां से सेंटेंस खत्म, तो दूसरा सेंटेंस भाई टू से, तो टू वाला ढूंढो। या तो हम हिंदी से भी समझ सकते हैं और प्लस हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को भी लेकर के समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, तो हर एक सेंटेंस का एक अपना सिक्वेंस होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन पहले होना था वो बाद में हो जाएगा, तो अगर ऐसा है भी ना, तो सही आपको ऑप्शन यहाँ पे चुनना है कि कौन सा सही सिक्वेंस होगा, यानी कि सेंटेंस को के बनने का। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बट काम खत्म, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे विथ काम खत्म, अगला लिखा हुआ विथ काम खत्म, सेंटेंस के स्टार्ट किससे होगा यहाँ पे, क्यू से, डील के साथ में विद आता है, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा और इस तरीके से ऑप्शन ये खत्म और ये खत्म। अब बचा क्यू के बाद पी, क्यू के बाद एस, तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ बट परहेप्स, लेकिन शायद द बेस्ट वे इज टू एग्री, सबसे अच्छा रास्ता है इज टू एग्री, मतलब मानने का, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग, कई सारे मतलब रास्ते हैं डीलिंग करने के, विद देम उनके साथ, विदाउट एक्सेसिव, बिना एक्सेसिव, बिना मतलब बहुत ज्यादा किस चीज के, अभी आपको पता चलेगा, एक्सेसिव आर्गुमेंट मतलब बहस के, ठीक है। लिखा विद इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जो हमारे अस्थिर या जो कभी कभार लेन देन करते हैं ऐसे कस्टमर्स, माने कस्टमर्स के साथ। तो सेंटेंस के स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा कि देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग, कई सारे रास्ते हैं डीलिंग के। अब आगे लिखा है और किन लोगों से डीलिंग करना, विद माने के साथ, इंट्रांसिजेंट कस्टमर्स, इन कस्टमर के साथ, क्यू के साथ एस, और क्यू के साथ एस, ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा नंबर, और बाकी बेटा यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा क्यू के साथ एस, एस के साथ पी, पी के साथ आर। अब देखिए लिखा हुआ देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग, फिर क्या लिखा, विद ट्रांसिजेंट कस्टमर्स, ठीक है। फिर आगे लिखा है पी, बट लेकिन, कई तरीके, लेकिन परहैप्स शायद द बेस्ट वे, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा रास्ता इज टू एग्री, हमें मानना होगा,
वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा एग्री, और एग्री के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्री के साथ में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भैया यहाँ पे पी, और पी नंबर कौन सा है यहाँ पे एग्री के साथ में पी ने, एग्री के साथ में कौन सा हो जाएगा आर, और आर में लिखा हुआ है विद देम, विद आया यहाँ पे चूंकि पर्सन की बात हो रही है विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंट, कि उनके साथ ज्यादा बहस ना किया जाए, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा नंबर से हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है फिर से पी क्यू आर एस इन द फॉलोइंग ईयर्स, इन द फॉलोइंग क्या लिखा हुआ है, इन द ईयर्स फॉलोइंग, यानी कि सालों से ऐसा होता चला आ रहा है, ठीक है, सालों से, अब क्या हो रहा है भैया सालों से, लिखा हुआ है द लैंडमार्क रिफर्स द लिखा हुआ इनॉग्रेटेड वाया, ये भी नहीं होगा, ठीक है, सालों से ये, ठीक है, लिखा हुआ लिबरलाइजेशन उदारीकरण इन दिस ईयर, तो ये भी तो अधूरी बातचीत दिखा रहा है, इसमें तो सालों से ये होगा नहीं, सालों से इंडिया अचीव्ड, ठीक है, रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑप्शन सही होगा यहाँ पे कहाँ से, क्यू से, यही बेस्ट ऑप्शन है, तो इस तरीके से क्यू के बाद में क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, अब सालों से, तो सालों से इसको पहले लाओगे तो पी वाला पी क्यू, तो पी क्यू, ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो आर का सेक्शन है यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो ये तो बेटा गलत हो गया, पी को बाद में लाओ, तो यहाँ पे कौन सा क्यू वाला लाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके बाद इसको इन द ईयर्स फॉलोइंग, तो ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे कौन सा नंबर, डी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप वर्ड, यानी वो आपसे कह रहा है भैया कि आप एक काम करिए, ठीक है, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, किसी भी बड़ी बात को एक शब्द में ही कह देना ही क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो चलिए बातचीत क्या कह रहा है, कह रहा है नेचर रिजर्व, एक प्राकृत, एक नेचर हम कह सकते हैं, एक नेचर बनाया जाता है, प्रकृति बनाया जाता है, एक निर्माण किया जाता है एक सराउंडिंग का, ठीक है बेटा, अबे सराउंडिंग्स का एक निर्माण किया जाता है रिजर्व, ठीक है, फॉर जो रिजर्व किया जाता है फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, यानी चिड़ियों और जानवरों के लिए एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें वो जीवित रह सके, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके, और दूसरी जगह से ला करके उनको उसमें रखा जाता है ताकि मतलब ऐसे माहौल में वो अपने आप को मतलब वहाँ पे अच्छा फील करें, मतलब अच्छा फील कर सके और वहाँ पे अपना जीवन बिता सके, ठीक है। अगला तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, एक ऐसा सराउंडिंग्स ऐसे इसको कहेंगे क्या, तो इसको कहेंगे एजाइलम, तो एजाइलम तो नहीं होगा भाई, जो एजाइलम वर्ड है ना, एक तो इलाइजियम होता है, इलाइजियम का मतलब होता है बैकुंठ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लाइक मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही मतलब पीसफुल प्लेस हो, सारी सुख सुविधाएं हो जहाँ पे, उसको कहते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं इलाइजियम, ठीक है, उसी को कहते हैं ओटोपिया, उसी को कहते हैं पैराडाइज, तो कई सारी सिनोनिम्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है एजाइलम, जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पे भैया एजाइलम, एजाइलम के अपने आप में दो मीनिंग, ठीक है, एजाइलम का मतलब है कि द प्लेस, ठीक है, समझिएगा द प्लेस वेयर, एक ऐसी जगह वेयर माने जहां पर द मैड पागल लोगों, ठीक है, द मैड यानी कि कौन लोग भाई, पागल लोग, द मैड और यहाँ पे हो जाएगा आर, और यहाँ पे देख भैया दिख रहा है कि नहीं, द मैड, ठीक है, द मैड आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे पागलों को रखा जाता है उसको कहते हैं भैया हम लोग, क्या उसको हम लोग कहने का काम करेंगे एजाइलम, इसका एक और मीनिंग है, मैंने कहा कि द प्लेस वेयर रिफ्यूजी आर केप्ट, रिफ्यूजी आर केप्ट, या हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉरनर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉरनर्स, ठीक है, और आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे विदेशियों को रखा जाता है, रिफ्यूजी को रखा जाता है, तो वहाँ पे उस जगह को हम लोग क्या कहने का काम करेंगे, रिफ्यूजी शब्द की बात आई तो एक ऐसे होगा बेटा, ऐसे ये होता है शरणार्थियों का, और एक होता है भैया यहाँ पे कौन सा रिफ्यूज, ये एक्चुअली में वर्ब है और ये अपने आप में नाउन है, ये शरणार्थी है बेटा यहाँ पे, ये अपने आप में क्या है भैया शरणार्थी है, और ये अपने आप में क्या है भैया मना करना, क्या है मना, और यहाँ पे क्या होता है भैया मना करना, इंतनाई करना, इनकार करना, रिफ्यूज कर देना, क्लियर बात नहीं, क्लियर बात, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर पूछता है एक ऐसी जगह जो चिड़ियों के लिए और जानवरों के लिए हम कह सकते हैं सुटेबल बनाया जाता है ऐसी जगह को एजाइलम, तो हम कह नहीं सकते, ये हुआ रॉन्ग ऑप्शन। अगला रिट्रीट, रिट्रीट करना, पीछे हटना, खेद करना, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए लिखा ओएसिस, ओएसिस क्या होता है, इसको मरुभूमि भी कह सकते हो, मतलब कि कई बार क्या होता है रेगिस्तान, आप लोगों ने देखा होगा सैंड्स, मतलब रेगिस्तान में ऊंट वगैरह चलते हैं या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी भर जाने से ना उसमें वहाँ पे घास जग जाती है, जैसे ऊंट चले तो पैरों के मतलब छोटे से गड्ढे पिट टाइप के बन जाते हैं, तो वहाँ पे जब घास उग जाती है
तो कई जगह ऐसे ही हो जाता है, तो जहां पे हमें रेगिस्तान में घास मिलती है नमी के कारण, ठीक है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है, और ये जो सेंचुरी है ये अभ्यारण है, अभ्यारण। और इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाओ। लिखा हुआ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड, फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ यंग पर्सन टेंडिंग, यंग पर्सन एक ऐसा यंग लड़का जो टेंडिंग टू कमिट क्राइम, जो हमेशा कोशिश करता है, या जो हमेशा हम कह सकते हैं उसकी आदत पड़ गई, कमिट क्राइम मतलब होता है किसी भी जुर्म को करने की, पार्टिकुलरली माइनर क्राइम, ठीक है, पार्टिकुलरली कैसे क्राइम बेटा, माइनर क्राइम करता है, ठीक है। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी घोषित कर देना, ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डेरेलिक्ट मतलब छोड़ देना, त्याग देना, ये भी गलत है। क्रिमिनल तो आपको पता ही है, वन हु कमिट्स क्राइम, ठीक है, जो कमिट क्राइम करता है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, डेलिक्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, नंबर 92 का, डेलिक्वेंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड पावर में अगर हम इडियम्स की बात करें, तो इडियम्स मतलब अगर ना भी आए ना तो आप भाई, ईडियम्स होते क्या है, मतलब मुहावरे, मुहावरे मतलब शब्दों के ऐसे समूह जिनका जो मीनिंग है ना वो भाव के बेस पे निकाला जाता है, क्योंकि इनके बनने के पीछे एक सच्ची घटना काम करती है। तो मैंने कहा भाव निकालिए, भाव समझिए, काउंटिंग योर चिकन मतलब बेटा आपने अगर पोल्ट्री खोला है, मुर्गी फार्म खोला, और मुर्गी फार्म खोला ना, रोज जाके अपने मुर्गी के बच्चों को गिनते हो कि मतलब ये इतने हो गए, अब इतने बेचेंगे, तो मतलब रोज ये गिनते हो ना कि हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गेटिंग सैक्रेड बिकॉज ऑफ डेंजर, भैया ये तो गलत हो गया। बींग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी मतलब पता ही होगा आपको ना कि खर्चा करने में बहुत ज्यादा मतलब केयरफुल होना है ना, अब ये वाला ऑप्शन गलत है। ग्रीडिली एक्युमुलेटिंग वेल्थ, ये भी गलत है। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला लिखा है आइसिंग ऑन द केक, अब मान लो किसी के बर्थडे में आया क्या केक, ऊपर से क्या आया भैया यहाँ पे, क्या ऊपर से आ गया बेटा यहाँ पे क्या, आइसक्रीम, तो केक तो लाए लाए साथ में आइसक्रीम भी लाए, इसका मतलब होता है अ फेदर इन वंस कैप, हम कह सकते हैं अ फेदर, ठीक है, हम कह सकते हैं अ फेदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन, और यहाँ पे वंस, ठीक है, वंस, और यहाँ पे कैप, इसी को कहते हैं सोने पे सुहागा, मतलब एडिशनल सक्सेस, एक सक्सेस तो हाथ में है, केक तो है भी, केक तो साथ में है, ठीक है, केक तो मान लो साथ में, ये हुआ केक तो साथ में, एक इडियम्स होता है भैया केक वॉक, क्या होता है यहाँ पे केक वॉक। अब तुम कहोगे सर केक वॉक, केक मतलब टहलना ना, केक चलाना, और ये बड़ा आसान काम है, हम कह सकते हैं इजिली, ठीक है, डन है, कब कह सकते हैं बेटा यहाँ पे इजिली डन, ठीक है, कोई चीज जो आसानी से किया जा सके, बहुत ही आसान, लाइक एन ए बी सी, ठीक है, चाइल्ड्स प्ले, ऐसे तमाम सारे वर्ड आते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो आइसिंग ऑन द केक इसका मतलब मोर व्हाट यू नीडेड, जरूरत से ज्यादा, हाँ हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, सक्सेस की बात करी जा रही है, ये भी गलत होगा। गेटिंग व्हाट यू आस्क फॉर, एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर द, हाँ बेनिफिट हुआ और एक्स्ट्रा भी हो गया, ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा, नंबर 94 का, कौन सा नंबर भाई बताओ जल्दी, कौन सा नंबर यहाँ पे, बी नंबर, यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड एवब एन ऑलरेडी गुड डील, जब आपकी एक ऑलरेडी गुड डील हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद एक और अच्छी डील हो जाना उसी समय पे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया यहाँ पे, द आइसिंग ऑन द केक या फेदर इन वंस कैप कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौन सा नंबर, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड फोर वर्ड्स आर ग्रुप आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है, आफ्टर द सेंटेंस सिलेक्ट द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें क्या है ना, कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकता है जो सबसे सटीक हो। सारी चीजों पे बात करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पे बात करेंगे, एक्चुअल मीनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर वॉज अ टाइम, एक समय था वेन, माने जब द, अब यहाँ पे ये दा क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर हम लोग बात करें नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ या सब डायरेक्शन के साथ दा आता है, लेकिन अगर ER लगा दे इसी के साथ तो दा, यहाँ पे अगर डायरेक्शन सब डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे दा आता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर इनके साथ कोई प्लेस आ जाता है तो फिर हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अब अगली बात अगर हम कर दें यहाँ पे वेस्ट, तो यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ इस वजह से दा नहीं आया, कोई बात नहीं। तो कह रहे देयर वॉज अ टाइम, एक समय था कि जो वेन, जिस समय, टाइमिंग की बात कर रहा है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, टाइम के लिए यूज हुआ है। वेस्ट जर्मनी जो था वॉज ए डिस्टिंक्ट, एक इसका स्पेशल, विशेष, ठीक है, स्पष्ट, ये मीनिंग होता है, क्या था, एक अलग, हम कह सकते हैं अलग, क्या था, पॉलिसी थी, नीति थी, तो हो सकती है भाई। एब्स्ट्रैक्ट मतलब विलुप्त, ये तो होगा नहीं, ये आपका नहीं होगा, यहाँ पे हायरार्की होता है, ठीक है, हायरार्की होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये शासन होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पॉलिटी का मतलब होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे एक अपना शासन था, एक अलग राज क्षेत्र था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन से हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर, कौन सा नंबर भैया, बी नंबर। चलिए अगले नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से, ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से पूछे जाते हैं लास्ट में, कहीं कहीं पेपर में अनसीन पैसेज आता है, कहीं कहीं पे क्लोज टेस्ट आता है, समझिएगा देखो क्या है।
जब भी कोई अनसीन पैसेज आए तो अनसीन पैसेज को करने का सबसे अच्छा फंडा है, सबसे पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ लो। और क्लोज टेस्ट को सबसे अच्छा करने का सिस्टम जो है वो ये है कि क्लोज टेस्ट में ये ध्यान ना दो कि खालिस्तान किस जगह पे है, अपने आप में पूरा सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ो, पैसेज को पैसेज समझकर, और ये समझो कि किस विषय पे चर्चा हो रही है और सेंटेंस में बातचीत कैसी हो रही है, ठीक है। और जहां जहां खालिस्तान है उसके आसपास जरूर देखो कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का शब्द विलुप्त प्राय है यहाँ पे, ठीक है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का शब्द यहाँ से गायब है, ठीक है। वो तो आसपास से पता चल जाएगा, क्योंकि एक शब्द के बगल में दूसरा शब्द तभी आता है जब वो एक दूसरे को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तभी कहते हैं हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से लेना देना है, ध्यान रखिएगा, तभी रिलेट करा के पढ़ना चाहिए हम लोगों को। लिखा हुआ है यहाँ पे द वर्ल्ड हैज सीन, मतलब दुनिया ने देखा है, ठीक है, दुनिया देख चुकी है क्या, ग्रोथ इन सेवरल स्पेयर्स, ग्रोथ मतलब वृद्धि विकास, और किस में, इन सेवरल स्पेयर्स, हर क्षेत्र में, सेवरल माने को क्षेत्र में, अब फुल स्टॉप बात खत्म, आप कौन से क्षेत्र में देख, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, मेडिसिन एजुकेशन, मेडिसिन का जो एजुकेशन है, ठीक है, शिक्षा, ETC, हैव सीन, ये सब देखे गए। और इनमें क्या देखा गया, ग्रोथ देखा गया, कैसा ग्रोथ देखा गया हम समझेंगे। अगला लिखा हुआ है सीन ग्रोथ, ग्रोथ यहाँ पे देखा गया, ये अपने आप पे नाउन हुआ, ठीक है, तो हैव सीन यहाँ पे देखा गया, तो ग्रोथ तो ये नाउन हुआ, यहाँ एडजेक्टिव होगा, पक्का एडजेक्टिव होगा। अगला देखिए, वी कैन सेफली एज्यूम, हम ये मान सकते हैं दैट कि द फ्यूचर इज नॉट एज, आने वाला जो समय है इज नॉट एज, वो नहीं होगा एज वंस अपीयर्ड जैसे होता था, चूंकि अब ग्रोथ है तो पहले सीधी सी बात ही खराब हुआ होता होगा, खराब होता होगा या खराब था, तो अपीयर टू बी की जैसे हुआ करता था। वी आर नॉट बाय अ विजन ऑफ हंगरी, ठीक है, हम लोगों की अगर उस विजन से देखा जाए, उस दृश्य से देखा जाए, हंगरी होल्ड ओवर हेल्मिंग, जिससे मतलब ओवर हेल्मिंग है वर्ल्ड फूड रिसोर्सेज, ऑल्दो यद्यप इट इज जो की है That many people, और इससे क्या है, बहुत सारे लोग स्पेशली आज भी इन द डेवलपिंग, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारे, जो विकासशील देश हैं, इनमें अभी भी क्या है, आर हंग्री, इलिटरेट, अनपढ़, एंड माने और टू डिजीज, और टू डिजीज बीमारी से ग्रसित, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, लिखा हुआ है द वर्ल्ड हैज सीन अ ग्रोथ, कैसा ग्रोथ देखा, हार्डली, मुश्किल से ना भाई ना, मेयर माने होता है ओनली, ओनली ग्रोथ ना, स्लो ग्रोथ बिल्कुल नहीं, ट्रेमेंडस, ठीक है बेटा, आश्चर्यचकित करने वाली, ठीक है, और बहुत ही बड़ी, ठीक है, ग्रोथ, तो ऑप्शन से हो जाएगा ए नंबर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, और आगे कह रहे हैं एजुकेशन, हैव सीन ग्रोथ, इनमें कैसा ग्रोथ देखा गया, इनमें कैसा ग्रोथ देखा गया भैया, इनमें देखा गया ग्रोथ कैसा, मतलब इक्वल, बराबर का ग्रोथ नहीं, नेग्लिजिबल, ये तो आपका नगण्य, ये भी गलत हो जाएगी, निगेटिव, उल्टा का उल्टा ग्रोथ, मतलब निगेटिव, मतलब अच्छा ग्रोथ नहीं देखा, ऐसा भी नहीं है इसमें, मतलब बेमेल, अच्छा, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है किसी चीज का, प्रेसिडेंट होता है जो PRECEDENT, एक प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति, ये जो प्रेसिडेंट होता है ये किसी की मिसाल होती है, ठीक है, किसी का उदाहरण होता है, ठीक है, तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है उदाहरण देना, वो तो हो गया अनप्रेसिडेंटेड, बेमेल मतलब जिसका उदाहरण ना दिया जा सके, मतलब बढ़िया, तो यहाँ पे ऑप्शन से हो जाएगा कौन सा, अनप्रेसिडेंटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तेजी के साथ, लिखे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा वी कैन सेफली एज्यूम, हम लोग मान सकते हैं दैट की द फ्यूचर, तो भविष्य है ना, ये नॉट एज वंस अपीयर्ड, मतलब पहले जो था वो खराब तो आज उतना खराब नहीं है, तो हाई स्ट्रॉन्ग नहीं नहीं गुड ब्लीक रूखा या खराब, यही वाला ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल्दो यद्यप इट इज खालिस्तान दैट मैनी पीपल, ठीक है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ये बात सही है कि आज डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे लोग, तो ये बात सही है, अनक्लियर, इनो इनकरेक्ट, ये बात इनकरेक्ट है दैट की, इनकरेक्ट, अब यहाँ पे इनकरेक्ट, अब यहाँ पे फॉल्स, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बात जो है झूठ है, ठीक है, तो ये बात झूठ क्या, ये बात सही होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा, ट्रू, ये बात सच्चाई, अब बता रहा है ना कि यहाँ पे क्या है, आज भी ये सच्चाई है कि डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे लोग क्या है भैया यहाँ पे, और ऑल्दो इट इज सच है दैट कि मैनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, क्या है, आर हंग्री, भूखे हैं, इलिटरेट है, अनपढ़, एंड माने और डिजीज, और बीमारी से ग्रसित रहते हैं, और बीमारी से ग्रसित रहते हैं, बीमारी के साथ में घुटने टेक रहे हैं, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है, एवर्स विपरीत, बीमारी के विपरीत नहीं, इंग्रोस, व्यस्त होना, ये भी गलत है, ठीक है, लिएबल, उत्तरदायी, ये भी गलत है, प्रोन टू का, प्रोन का मतलब होता है औंधे मुलेटना, तो मतलब हम कह सकते हैं बीमारी से ग्रसित है, बीमारी में पड़े हुए हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, 100 नंबर बेटा। ये हुए आपके एसटी नंबर 14 के सारे क्वेश्चन बेटा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वीडियो पे लाइक कमेंट मारिएगा, जो भी क्वेश्चन डाउट में, जो भी क्वेश्चन बेटा आपको कंफ्यूज करे क्लास में पूछिए, ठीक है। और अगर क्लास में नहीं आ सकते हो, आप वीडियो में ही आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो जो भी समस्या हो, ठीक है। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एसटी नंबर 15 के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा।